सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपोलो टायर्स के टारगेट और टाइम पीरियड और स्टॉप लॉस के बारे में। तो उससे पहले मैं बता दूं कि इस तरीके के जो शेयर हैं वो कभी आपको लॉस में नहीं रख सकते। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो शेयर आपको खरीदना कब है और बेचना कब है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देख सकते हैं अपोलो टायर्स का जो शेयर है वो आपके सामने ओपन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब मार्केट ओपन हुई थी 234 रुपये का ये शेयर था और मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ये 231 रुपये 60 पैसे पे मार्केट क्लोज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पहले इसके स्टॉप लॉस की। दोस्तों, इसका जो स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं 228 रुपये। इसका जो टारगेट रहने वाला है 236 से 237 रुपये का टारगेट रहने वाला है। और जो इसका टाइम पीरियड रहने वाला है वो रहने वाला है 2 वीक का। जी हाँ दोस्तों, 2 हफ्ते के अंदर यानी कि 2 वीक के अंदर ये 236 से 237 रुपये का टारगेट इसका रहने वाला है। अब रहने वाला है कि इसमें लॉस क्यों नहीं हो सकता। तो दोस्तों, 1 ईयर 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर गया है और नीचे गया है। तो स्टॉप इसलिए नहीं हो सकता कि जब यह डाउन हो तभी इस शेयर को ख़रीदना है। तो देख सकते हैं कैंडल की मदद से है कि ये कब मार्केट डाउन होती है। अब मान लीजिए, देख सकते हैं कि हार्डली अगर ये सबसे ज़्यादा भी नीचे रहा है तो 201 रुपये, और उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये 221 रुपये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 208 रुपये का ये हो गया नीचे। अब इसको उसी दिन या उसके दूसरे दिन देख सकते हैं 235 रुपये का हुआ है। तो हमें इसमें सीखने वाली बात यह है कि मार्केट डाउन और ग्रो दोनों ही एक साथ हो रही है। 1 से 2 दिन के अंदर ये मार्केट डाउन होती है और दोबारा से ये मार्केट ऊपर हो जाती है। तो हमें ये ख़रीदना जब होगा, जब ये 210, 211 या 215 रुपये पे होती है, और 230, 231 तो नॉर्मली ये रहता ही है। सो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो मैंने आपको दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस चैनल को शेयर करें।